Hi there, and welcome to a spoken English production. Myself, Imran Aliroy, and today we are going to do the past continuous tense. This tense is published by a spoken English production, and myself, Imran Aliroy. Continuous tense में हम पहले से एक series जारी रखे हुए हैं कि जिसमें हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनांचे कंटिन्यूस के भी तीन टेंसेस हैं। हर टेंस में फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। लेकिन हमको पता कैसे चल पाएगा कि ये टेंस प्रेजेंट का है, कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस का या फ्यूचर कंटिन्यूस का? चुनांचे वर्ब्स तो सारी फोर्थ फॉर्म है। सो हमको एक अदद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए हमने इज़ेमार किया और वाज वर्ब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए करेंगे। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए वाज और वर्ब और फोर्थ फॉर्म यूज़ करने से हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा और इसकी उर्दू में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे है। इस ज़माने में हम क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, क्या किया जा रहा था बयान करते हैं। मसलन वो आ रहा था, जैसे कि कहानी में हम कुछ बयान करना चाहें कि वो आ रहा था जब मैं सोया हुआ था। कहानी में क्या हो रहा था जब मनकू ने चीख मारी? क्या वो स्कूल जा रहा था उन दिनों? सो उस दिन आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? थोड़ा सा रिवाइंड कराता चलूँ आप लोगों को कि सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यानी आई के साथ एम का इस्तेमाल करते रहे हैं और वी यू दे ज़्यादा फाइल हजरात के साथ हम आर का इस्तेमाल करते रहे और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही शी इट नाम के साथ इज़ का इस्तेमाल करते रहे हैं और फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन इस टेंस में पहचान चुनांचे हमारी उर्दू फिक्रात के आखिर में ज़्यादातर रहा था, रही थी, रहे थे। सो हमारे फिक्रात भी कुछ इस तरह से होंगे। बाहर तो बारिश हो रही थी, मुझे सर्दी लग रही थी, मेरे पेट पे दर्द हो रहा था। इसी तरह मजीद फिक्रात की तरफ नज़र डालते हैं। उसको खार हो रहा था, मैं उसको देख रहा था, दादा अबू अखबार पढ़ रहे थे, वो सोया हुआ था, वो बैठा हुआ था, हम खड़े थे, उसकी नज़र हम पर ही थी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सी बात आपको बताता चलूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक चीज़ रहा है, रही है, रहा हूँ तो है पहचान में यानी डिस्टिंक्शन में, लेकिन ये कभी कभी लास्ट में रहा है नहीं भी आ रहा होता। जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, आप खड़े हैं, वो सोया हुआ है, परिंदा दरख्त पर बैठा है। सो उनके बैठने का अमल, मेरा बैठने का अमल, आपके खड़े होने का अमल, किसी के सोने का अमल जारी है, दैट्स कंटिन्यू। तो हम उसको कंटिन्यूटी में लेके आते हैं। सो अब फार्मूले की भी तरमीम जो है इसमें वो ये है कि तरमीम कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उसकी जगह पे आती है कि वाज वर वाज आएगा। जिस जगह पे एम था आई की जगह पे, वहाँ पर आई के साथ वाज, और जहाँ पर आर है उसके साथ वर, और इसी तरह वाज के साथ ही शी इट नाम होंगे। यानी इस के साथ वाज, इसकी जगह पे वाज, आर की जगह पे वर, और इस की जगह पे भी वाज। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको फार्मूला बनाना बताते हैं। वास, आई के साथ वास का इस्तेमाल होगा प्लस फोर्थ फॉर्म। जैसे आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट कमिंग येट, आई वॉज डूइंग समथिंग एट द मोमेंट, यानी उस लम्हे में कुछ कर रहा था। अब वर इसका मतलब है, इसका मतलब है कि है। सो वी यू दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब थे, सॉरी, चुनाचे ये पास्ट का ज़माना है, सो वी विल यूज़ थे। वी वर वर्किंग एट दैट मोमेंट, हम उस लम्हे काम कर रहे थे, सो वर आएगा। अगर मैं कहूँ हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग आएगा, लेकिन हम काम कर रहे थे, सो वी वर वर्किंग। अब इसी तरह वाज है जिसका मतलब है था, सो वाहिद फाइल के साथ He was laughing at me. She was not looking good. It was raining outside. So, वाहिद फाइल के साथ was का इस्तेमाल होगा past continuous tense के लिए, और were के साथ I, we, you, they के साथ were का इस्तेमाल होगा।
अब इसमें ये सब्जेक्ट आई के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल है, फिर डे टाइम प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट है, वी के साथ भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल, यू के साथ भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल, और इवन के दे के साथ भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल, ही के साथ फोर्थ फॉर्म, शी के साथ और इट के साथ, इवन के नाम के साथ भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ हो जिससे हमें जाहिर हो जाए कि फोर्थ फॉर्म कौन से ज़माने की है। तो लीजिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि मुलाहिजा की गई है, वास, आई वास फोर्थ फॉर्म, और वी वर फोर्थ फॉर्म, यू वर फोर्थ फॉर्म, दे वर फोर्थ फॉर्म, ही वाज फोर्थ फॉर्म, शी वाज फोर्थ फॉर्म, इट वाज फोर्थ फॉर्म, दैट मीन्स रहे थे, रहा था, रही थी वगैरह आएगा। फार्मूले को ज़रा इजी करके आपको पेश किया जा रहा है कि सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, इनके हेल्पिंग वर्ब्स साथ वाज वर्ब आएगा और वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एन जी वाली फॉर्म, और ऑब्जेक्ट यानी कि डे टाइम प्लेस आएगा। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ फिकरात यहाँ पर मुलाहजा करते हैं। आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड। अब इसमें आई सब्जेक्ट है, वॉज फार्मूले वाला यानी कि था, ईटिंग खा रहा, फूड यानी कि खाना। असल अल्फाज में हम आपको फार्मूला बयान करते चलें, वी यू दे के साथ वर्ड का इस्तेमाल आएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह आई, ही, शी, इट, नाम के साथ वास का इस्तेमाल आएगा और फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस मुलाहजा होते हैं, मैं कल स्कूल जा रहा था, मैं कल स्कूल जा रहा था, आई वास यानी कि आई वास फोर्थ फॉर्म, गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट, यस्टरडे ऑब्जेक्ट, वो ट्रेन में सो रहे थे। अब इसमें वो थे यानी कि वो ज़्यादा थे जिसकी इंग्लिश है दे वर स्लीपिंग इन द ट्रेन। अब ये जो ट्रेन है ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहे थे ये वर्ब है यानी कि फेल है, और थे से पता चलेगा वर्ब कौन, वो यानी कि ज़्यादा। आखिरी फिक्रा, वो तो 2 बजे से पहले ही पहुंच रहे थे यानी कि ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिससे पता चला कि दे आएगा यहाँ पर, दे वर रीचिंग देयर वहाँ पर बिफोर 2 o'clock, दे वर रीचिंग देयर बिफोर 2 o'clock। सो इसका मतलब ये है कि वो 2 बजे से पहले वहाँ पहुंच रहे थे। अब इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल करने से ये पता चला कि पास्ट का फिक्रा है और फोर्थ फॉर्म से पता चला कंटिन्यूस का फिक्रा है। ऑब्जेक्ट आपके सामने है, स्कूल, यस्टरडे, इन द ट्रेन, बिफोर 2 o'clock, और देर, देर भी एक ऑब्जेक्ट ही है इसमें, प्लेस, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस। फार्मूले पर नजर डालिएगा, वी, यू, दे प्लस वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही, शी, इट, नाम प्लस वाज प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वो एक प्यारा गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, हम खाना बना रहे थे, वी वर कुकिंग मील, वो तो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं तो जब वहाँ गया तो वो रो रहा था, व्हेन आई रीच्ड देयर ही वॉज क्राइंग। अब वॉज, वॉज और वर और वॉज ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ही, वी, आई ये सब्जेक्ट्स हैं, मेल, दे, स्कूल, अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। इसमें फोर्थ फॉर्म कौन कौन सी है, सिंगिंग, गोइंग, क्राइंग, कुकिंग। पास कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए कोई महारत की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल है, वाज नॉट और वर नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप नॉट का इजाफा करें तो फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा। तुम जा नहीं रहे थे, यू वर नॉट गोइंग, वो खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं आपको देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट यू, वो नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग, वो दरख्त पर बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। अब इसमें वॉज नॉट, वर नॉट के बाद
हमने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया, जिससे ये जाहिर हुआ कि हमने नेगेटिव फिक्रा बनाया है। सब्जेक्ट की तरतीब मत भूलिएगा, आपको फार्मूला मिलते हैं वास वर को शुरू में लेके आना है, प्लस सब्जेक्ट यानी कि आई वी यू दे ही शी इट नाम, और फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिससे फिक्रा आपका इंटरोगेटिव में आ जाएगा यानी कि सवालिया फिक्रा बन जाएगा। क्या आप मेरे साथ जा रहे थे? वर यू गोइंग विद मी? क्या तुमको मेरी बात की समझ आ रही थी? वर यू गेटिंग मी? क्या आप टीवी देख रहे थे? वर यू वॉचिंग टीवी? क्या आप रो रहे थे? वर यू क्राइंग? वो अपने बच्चों को क्या बता रहा था? वट वॉज ही टेलिंग टू हिज चिल्ड्रन? क्या आप किताब पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग अ बुक? सो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स पे नज़र डालिए कि वर और वॉज का इस्तेमाल किया गया है शुरू में, फिर सब्जेक्ट और फिर फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जिससे हमारा सवालिया फिक्रा बन गया। फार्मूले पे नज़र डालिएगा कि वास वर्ड शुरू में लेके आना है, जहाँ पे वास आता है वहाँ पे वास, जहाँ पे वर्ड वहाँ पे वर्ड, और सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ वास, वी यू दे के साथ वर, ही शी इट नाम के साथ वास का इस्तेमाल आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन वर्ड्स देते हैं, व्हाट यानी कि क्या, विच कौन सा, हु कौन, हुज किसका, होम किसको, वीर कहाँ, वेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने। हाउ मच कितना मीन कि मकदार में कितना, अनकाउंटेबल मकदार में, जैसे कि कितना दूध, हाउ मच मिल्क, आप कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितनी चाय पी रहे हो, हाउ मच द टी आर यू टेकिंग। कितने यानी कि हाउ मैनी, ये भी मकदार में है लेकिन ये काउंटेबल के लिए, जैसे कि आदमी, हाउ मैनी पीपल आर देयर, वहाँ पर कितने लोग हैं। कितनी देर, हाउ लॉन्ग, कितनी बार, हाउ ऑफन, वट एवर जो कुछ भी, वेन एवर जहाँ कहीं भी, हाउ एवर ताहम, वेन एवर जब कभी भी, हु एवर जो कोई भी, इन फिक्रात को हम फिक्रात में हम इनको ढालते हैं। आइए अब इन क्वेश्चन वर्ड्स को फिक्रात की नज़र करते हैं। वाई वर यू स्पीकिंग टू हिम, आप उससे क्यों बात कर रहे थे, वो वॉज हैपनिंग देयर, वहाँ क्या हो रहा था, हाउ वर यू डूइंग दिस ऑल, वाई वर यू डूइंग दिस ऑल, आप ये सब कैसे कर रहे थे, आप ये सब क्यों कर रहे थे, फॉर वट पर्पज, किस मकसद के लिए, वर यू डूइंग दिस ऑल, आप ये सब कुछ कर रहे थे, फॉर वट रीज़न, किस वजह से, वर यू डूइंग दिस ऑल, आप ये सब कुछ कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ईए।